हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बाइनरी ट्री और नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ द बाइनरी ट्री हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और उसमें से हम फोकस कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन थ्रेडेड बाइनरी ट्री। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसमें से हम फोकस कर रहे हैं इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे। अगर आपको इंट्रोडक्शन और प्रीवियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री वो याद नहीं है तो प्लीज पहले उससे गो थ्रू कीजिए और देन ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। आपके लिए मैं प्रीवियस वीडियो का शॉर्टकट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो होते हैं इंसर्शन ऑपरेशन, डिस्प्ले ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन, जिसमें से इंसर्शन ऑपरेशन मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी इस वीडियो में हम फोकस करते हैं डिस्प्ले ऑपरेशन। अगर आपको ये डिस्प्ले और द ट्रैवर्सल ऑपरेशन ऑन बाइनरी ट्री पे पता है तो आपको पता होगा कि बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एक्सप्रेशन ट्री, वॉट एवर इट में भी वो ट्रैवर्स करने के लिए आपको स्टैक की जरूरत होती है। स्टैक हमें क्या मदद करता है? अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च पे ट्रैवर्स करना है तो स्टैक हमें प्रीवियस लेवल पे रिटर्न बैक आने के लिए मदद करता है। पर यहाँ पे यही एडवांटेज है थ्रेडेड बाइनरी ट्री का, विदाउट यूज ऑफ एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर इजीली हम ट्रैवर्स और द डिस्प्ले ऑपरेशन ऑन थ्रेडेड बाइनरी ट्री पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये ट्री मेरे पास अवेलेबल है जो कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, और उस पे ये फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री है जिसके लेफ्ट पॉइंटर्स और राइट पॉइंटर्स जो कि नल है वो सारे रिप्लेस किए हुए हैं इन ऑर्डर प्रीडेसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर से रिस्पेक्टिवली। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ट्रैवर्सल के लिए। अभी मैं ये ट्री को इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें रूट नोड से हमेशा स्टार्ट करना होता है। हेडर से हम रूट नोड को मूव होंगे और रूट नोड को ट्रैवर्स करने के लिए, मतलब कि ये ट्री ट्रैवर्स करने के लिए हमें रूट नोड से स्टार्ट करना है। तो 25 मैंने ट्रैवर्स कर लिया मतलब कि मैंने अभी ये 25 पे, मैं अभी रूट नोड पे हूँ। उसके बाद हमें चेक करना है 25 को लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो हमें स्टेप डाउन होना है 25 के लेफ्ट चाइल्ड को, वो हो गया 12। 12 को हमें देखना है लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, है 12 को लेफ्ट चाइल्ड है तो वो उस पर भी हमें स्टेप डाउन करना है, वो है 2। अभी 2 का लेफ्ट चाइल्ड हमें चेक करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 2 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है क्योंकि ये थ्रेड है वो हेडर को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है आपके ट्री का, तो हमें उसे प्रोसेस कर लेना है। अभी प्रोसेस करना है मतलब कि हमें उसे डिस्प्ले कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने उसको डिस्प्ले कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी नेक्स्ट नोड को जाना है, हमें प्रीवियस लेवल पे जाना है। यही प्रीवियस लेवल को जाने के लिए, अगर ये सिंपल बाइनरी ट्री था, बाइनरी सर्च ट्री था और एन एक्सप्रेशन ट्री था, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टैक की यूज करना होता है। उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने इन ऑर्डर सक्सेसर, दैट इज अ पेरेंट नोड विच इज प्रेजेंट ऑन अ प्रीवियस लेवल, उसका एड्रेस हमने ऑलरेडी नल पॉइंटर से रिप्लेस किया हुआ है। और यही बेनिफिट है, यही एडवांटेज है थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कि इजीली हम प्रीवियस लेवल पे मूव हो सकते हैं। तो ये थ्रेड यूज करके हम, आप देख सकते हो ये थ्रेड यूज करके हम उसके रूट नोड और उसके पेरेंट नोड पे आ गए 12, और उसको हमने प्रोसेस कर लिया। क्योंकि इन ऑर्डर इसका मतलब है पहले लेफ्ट चाइल्ड, देन अ रूट नोड, देन अ राइट चाइल्ड। तो ये 12 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया, खुद रूट नोड हो गया, अभी राइट चाइल्ड को हमें मूव करना है। तो हमें चेक करना है कि राइट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो है राइट चाइल्ड प्रेजेंट है, तो हमें राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन करके उसको खुद को रूट नोड बना लेना है। उसको खुद को रूट नोड बनाने के बाद उसका लेफ्ट पॉइंटर हमें चेक करना है वो चाइल्ड है या थ्रेड है। तो ये चाइल्ड है। अभी आपको ये कहाँ से पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा एल थ्रेड फ्लैग वेरिएबल से। एल थ्रेड फ्लैग वेरिएबल अगर ट्रू है तो वो होता है थ्रेड, अगर वो फॉल्स है तो वो होता है
लेफ्ट चाइल्ड, यहाँ पे मुझे आप बताओ कि 18 के लेफ्ट थ्रेड फ्लैग में क्या होगा, ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू? या एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें वैल्यू फॉल्स होगी क्योंकि 18 को लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है। अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो हमें उसको स्टेप डाउन करना है और 15 को मूव होना है। तो स्टेप डाउन करके अभी मैं 15 पे आ गई हूँ। अभी 15 को आने के बाद 15 का एल थ्रेड फ्लैग हम चेक करेंगे जो कि यहाँ पे ट्रू है। ट्रू मतलब कि थ्रेड है जो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को जाता है। अभी हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को तो जाना नहीं है, हमें इन ऑर्डर सक्सेसर चेक करना है। उससे पहले हमें 15 को प्रोसेस करना है, तो चलो 15 को प्रोसेस कर लेते हैं। और राइट चाइल्ड हमें चेक करना है, 15 का राइट चाइल्ड वो थ्रेड है या चाइल्ड है, वो हमें आर थ्रेड फ्लैग वेरिएबल से हमें वो चेक करना है। अभी इस एग्जाम्पल के लिए 15 का आर थ्रेड फ्लैग जो है वो ट्रू है, इसका मतलब उसमें इन ऑर्डर सक्सेसर का एड्रेस है। तो यही फ्लैग यूज करके, यही थ्रेड यूज करके हम 18 को मूव होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 18 को मूव हो लिया है और मैंने 18 को प्रोसेस भी कर लिया है। अभी 18 का राइट चाइल्ड मुझे चेक करना है, चाइल्ड है या थ्रेड है, तो वो होता है थ्रेड क्योंकि मेरा एल सॉरी आर थ्रेड फ्लैग जो है वो फॉल्स है। इसका मतलब कि राइट चाइल्ड अवेलेबल है, उसके लिए मुझे स्टेप डाउन होके उस चाइल्ड पे मूव होना है। अभी उसका लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं, वो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसमें थ्रेड की वैल्यू है। तो लेट्स चेक फॉर सॉरी लेट्स प्रोसेस इट, एंड उसके बाद हमें चेक करना है आर थ्रेड और आर चाइल्ड। राइट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है इसलिए राइट थ्रेड से हमें उसके इन ऑर्डर सक्सेसर को मूव होना है जो कि है 25। 25 को हमने प्रोसेस कर लिया, 25 को राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड को हमने स्टेप डाउन कर लिया। लेफ्ट चाइल्ड 27 को लेफ्ट पॉइंट, राइट चाइल्ड 27 को लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है इसलिए खुद को उसको प्रोसेस कर लिया और उसको उसका राइट चाइल्ड चेक किया जो कि नहीं है, और वो है राइट थ्रेड जो कि पॉइंट कर रहा है हेडर नोड को। और अगर वो हेडर नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि वो लास्ट नोड है इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे और हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट हो चुका है। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमने कहाँ पे भी स्टैक यूज नहीं किया है, हमने इन ऑर्डर सक्सेसर का थ्रेड यूज करके इजीली हमने यहाँ पे ट्रैवर्स कर लिया है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो और उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्रिप्शन लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक और पूरा वीडियो सीरीज भी आपके लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।